Good morning, class. How are you all? Hope so you all are good, all are safe. And rainy day. Also rainy day hai, maza aa raha hai pura. So friends, as you know very well, our chapter chemical and molecular bonding is going on. Okay? हमारा चैप्टर केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग चल रहा है. इसमें मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंसी, आयनिक वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, ये सब करा दिया था. फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला विद सम एग्जांपल्स ऑल्सो मैंने आपको होमवर्क में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे ऐसे ही. ओके, तो उसको आप लोगों ने किए होंगे. मैंने आपने किए हैं तभी बच्ची की प्रॉब्लम्स आई है कि उनसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है. तो डोंट वरी, मैं आपको वो सॉल्व करा देती हूँ. फॉर्मल चार्ज का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था. एग्जाम्पल क्या है? दोनों की यू एस को फोर टू माइनस. ओके, ये मेरा क्या था? एक एग्जाम्पल था. प्लस सिक्सर दो कर लीजिए, प्लस सिक्सर दो देख लीजिए आपको क्या होता है. स्टार्टिंग नंबर सिक्सर का उसकी वैल्यू सेवन सिक्स होते हैं, फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Okay. Now, so
हो गया है। चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्या आपका डाइपोल मूवमेंट? Magnitude of the magnitude of charge. Okay. So the F mu vector is equal to charge into distance between them. If I have to assume, suppose I have two atoms, atom A एंड एटम बी, बिकॉज दो एटम है, एक है ए और एक है बी, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी। ठीक है, सेपरेटेड है डिस्टेंस डी से, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव,
छोड़िए एन ए सी एल ले लीजिए, एन ए सी एल एटम्स हैं, टू डिफरेंट एटम्स हैं जो एक दूसरे से दूर है, किसी दूरी पर है, डी डिस्टेंस पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोडक्ट किसका चार्जेस का प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। और इफ यूनिट इज मीटर ऑफ डेबाई, ठीक है, सी हो जाए हमारा डायपोल मोमेंट। राइट आउट इट, ठीक है, क्या होता है डिफरेंस इन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो बॉन्ड होता है उनकी पोलैरिटी में डिफरेंस, कि ये पोलैरिटी डिफरेंस रहेगी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाए पोल बन जाते हैं, पोल से बढ़ा है पोलैरिटी, जैसे पोल बन जाए, आपने मैग्नेटिक क्षेत्र में पढ़ा हुआ होगा कि पॉजिटिव पोल होता है, नेगेटिव पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर वैसे आप पोल बन जाते हैं पोलैरिटी, जैसे एक इधर भागता है एक इधर भागता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं पोल, और इसे पोल से बनने क्या कहलाता है पोलैरिटी। तो दो एटम थी पोलैरिटी का जो डिफरेंस होता है जब मुझे न्यूमेरिकल स्केल पे क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसे डाइपोल मोमेंट की टर्म में इंडिकेट किया जाता है, और डाइपोल मोमेंट को हम इंडिकेट किससे करते हैं, किससे करते हैं माय स्टूडेंट्स, म्यू से, म्यू वेक्टर। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, ये किसी का प्रोडक्ट होता है जो डिस्टेंस है जो उनको सेपरेट कर रहा है, ठीक है, एंड द अपोजिट साइन इक्वल मेजरमेंट है विद अपोजिट साइन। देखिए अगर एन ए की वैल्यू कितनी है 5 है तो डेफिनेटली सी एल की वैल्यू भी 5 होगी, बट की माइनस 5 होगी क्योंकि प्लस 5 होगी, ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होगा तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस 5 तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, बस यहाँ पर डिफरेंस किसका आएगा अपोजिट चार्जेस का डिफरेंस आएगा, क्लियर है। तो ये होता है हमारा डायपोल मोमेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में ही चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Negative 10
आपको जान के बड़ा शौक होगा कि सिर्फ तीन ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ओनली देयर एग्जिस्ट ओनली थ्री एलिमेंट इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. ओनली इन थ्री एलिमेंट एंड दीज एलिमेंट्स आर दैट इज क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं HF, H2O, NH3. इनमें हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इनके साथ, तो यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में होती है इसको लर्न करने की ट्रिक होती है FON के आपके फोन. चलिए नेक्स्ट करते हैं कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. There are two conditions. Must be followed. Small in size.
अबव टू कंडीशन। ओके, तो यही कंडीशन होती है जो कि फॉलो की जाती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ आयरन बॉन्डिंग करेंगे। आज क्लास में हमारा इतना ही रखते हैं। आपको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, एनी टाइम एनी वेयर। ओके, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी टू। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड एंड एंजॉय द रेन।